आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रिकेट की बातें। भारत ही नहीं पूरे विश्व में अभी क्रिकेट विश्व कप का खुमार चढ़ा हुआ है। 5 अक्टूबर से शुरू हुआ ये त्योहार अब रंग में रंग गया है। भारत ने अपने पहले ही मैच में 5 बार के विश्व विजयी ऑस्ट्रेलिया को मात देकर शानदार आगाज किया है। क्रिकेट के विशेषज्ञ मानते भी हैं कि भारत ही विश्व कप जीतने का प्रबल दावेदार है। आज भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से है और लोगों को उम्मीद है कि भारत अपना दूसरा मैच अच्छी तरह से जीतकर अपना कॉन्फिडेंस और अच्छा कर ले, क्योंकि अगला मैच इसी शनिवार यानी 14 अक्टूबर को पाकिस्तान से है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच नहीं महासंग्राम होगा। विश्व भर के क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार है। जहां भारत अभी तक 50 ओवर के वर्ल्ड कप के मैच में आज तक हारा नहीं है, वहीं बाबर की सेना T20 वर्ल्ड कप में भारत को एक बार मात देने के बाद अब 50 ओवर वाले मैच में भी कुछ इसी तरह से दोहराना चाहेंगे। अगर खिलाड़ियों का कंपैरिजन करें तो भारत के खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से काफी आगे हैं। इस लिहाज से भारत की जीत पक्की लग रही है, लेकिन क्रिकेट में कभी भी कुछ भी संभव है। वैसे पाकिस्तान ने कल ही वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा रन चेंज कर श्रीलंका को हरा कर अपना दूसरा मैच जीता। इस जीत से पाकिस्तान का मनोबल काफी बड़ा है। वहीं भारत के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल के बीमार होने की वजह से भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा। ऊपरी क्रम में शुभमन गिल की जगह खेल रहे ईशान किशन के 0 पर आउट होने से भारत की चिंता बढ़ी है। ईशान की वजह से रोहित शर्मा भी फंस के खेलते नजर आते हैं, जिसकी वजह से उनका विकेट भी जल्दी चला गया था। अगर पाकिस्तान से मैच जीतना है तो ईशान किशन और रोहित शर्मा को अच्छी शुरुआत देनी होगी ताकि अच्छा टोटल बन सके, क्योंकि वर्ल्ड कप में 350 भी सुरक्षित टोटल नहीं है। ईशान किशन के अलावा श्रेयस अय्यर को भी अपना टेम्परामेंट दिखाना होगा और अच्छा खेलना होगा। भारत के लिए सुकून देने वाली बात ये है कि पूरी टीम लगभग फॉर्म में है। विराट और राहुल तो अलग ही फॉर्म में चल रहे हैं और कुलदीप यादव की गुगली आज तक पाकिस्तान टीम के लिए एक पहले की तरह ही है। फैंस की माने तो उनका मानना है कि विराट कोहली और कुलदीप ही पूरे पाकिस्तान टीम के लिए काफी हैं। मतलब 1 और 1 = 11। ऐसा अभी एशिया कप में भी हो चुका है। विराट कोहली ने अकेले जितना रन बनाया था उतना ही रन पाकिस्तान पूरी टीम मिलकर बनाया था और कुलदीप ने अकेले पाकिस्तान की आधी टीम को पवेलियन भेज दिया था। तो भारतीय फैंस को इस महासंग्राम का बेसब्री से इंतजार है और इस बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हरा कर भारत लगातार 8वीं जीत दर्ज करना चाहेगी। आपको मेरा ये शो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को देखने के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।